जब बच्चे वहां पहुंचे तो इनके बाद में जब इनके स्कोर और नंबर आने लगे तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे जो बालक हैं वो इतने नंबर ला सकते हैं। मैं शुरुआत में वहां पर मेरे हादसे में 4 बच्चे 5 बच्चे लेकर गया था वहां पर, तो यहां पर 2 साल में वो 4 बच्चे डॉक्टर बन गए और 18 गाँव में पहला डॉक्टर कुमार समाज 18 गाँव में 18। अरे क्या यार, आपने सपना पूरा कर दिया मेरा। CLC उन बच्चों को किताबों से बाहर नहीं आने देती, उस माहौल से दूर नहीं जाने देती है, उन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होने देती है, उनको मोटिवेशन देती है। वो आप कहीं कोचिंग में जाओगे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाने के बाद बच्चा जाने और बच्चे का काम जाने, लेकिन ये नहीं रहा साहब। यहाँ देखता था कि मैं बात करता था, बेटे बात क्यों नहीं करते हो, कि बाबा जी जल्दी जल्दी खाना खा के हमें जाना, हमें कैंप में जाना है। पूछा भाई कैंप क्या है? कैंप में हॉल में बैठ जाते हैं, हमें रात में 12 बजे तक पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण, आज मैं खड़ा हूँ सोजत सिटी, पाली डिस्ट्रिक्ट मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर के बेल्ट को, मारवाड़ की धरती पे खड़ा हूँ। और देखो गहलोत परिवार का एक खेत है पीछे, वो आपका घर है या आपका खेत है, क्योंकि हमारा मकसद एक झोंपड़ी की खोपड़ियाँ ढूंढना है, सामान्य परिवारों के बच्चों को पहुँचाना IIT में NIIT मेडिकल में, या कुमाऊत परिवार के गार्जियन आए हुए हैं या गहलोत परिवार आया हुआ है, और पाली के हमारा चौधरी परिवार वत्सल, आपकी बड़ी बहन सुमन 2006 में CLC गई थी, एक पूरे परिवार के लोग हैं और हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं। मेरे डॉक्टर ज्योति यहाँ है जो यहाँ पोस्टेड है, यहाँ खुद का अपना हॉस्पिटल करते हैं, इस तरह के बहुत से मेरे अपने गार्जियन यहाँ हैं, और बिल्कुल गहलोत के दादाजी यहाँ हैं, हमारे यहाँ के DO साहब यहाँ हैं, और बहुत से यहाँ की अच्छी पर्सनालिटीज हमारे गार्जियंस हमारे बीच मौजूद हैं। जब 10वीं पास करने के बाद में बिटिया ने स्कोर किया था अच्छा, तो मन में एक चिंता आई, इसको कहाँ पढ़ाया जाए। ये बात चिंता मेरी ऐसी बनी कि मैं कहाँ भेजूँ इसको, तो मैंने निर्णय किया कि मैं एक बार सब कोचिंगों से बात की, और मैं गया भी हूँ 2-4 कोचिंगों में, लेकिन जो वातावरण, जो प्रेम, जो प्यार मैंने CLC कोचिंग में देखा, उससे मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ मेरे जो बच्चे रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, और मैं मेरी बच्ची को वहाँ दाखिला करवा के आ गया, जहाँ डायरेक्टर सर ने जिस तरह से उसकी केयर की हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोजत में अगर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश है, और पढ़ने के लिए बातें करते हैं, बच्चे को अगर डांटते हैं तो 1-2 घंटा पढ़ लेता है और ठीक है, और 2 घंटे पढ़ लिए, परीक्षा आई तो 4 घंटे कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। लेकिन वास्तव में फिर लगा जब ये CLC का नाम, पहले आज से 2007-08 में यहाँ प्रवेश के लिए परीक्षाएं होती थी, उस समय ये नाम मैंने देखा था, तब यहाँ परीक्षा के सेंटर भी होते थे और दिलवाने के लिए भी गया और कई लोगों से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अंततः जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो इनके बाद में जब इनके स्कोर और नंबर आने लगे तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे जो बालक हैं वो इतने नंबर ला सकते हैं, ऐसा हो सकता क्या, ये हमने नहीं सोचा था। फिर मन में विचार आया कि हमारे सोजत में बाहर से आकर लोग कई नौकरी करते हैं, सोजत के अंदर जो अपने डॉक्टर क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं अपने घर से और अपने परिवार से अपन शुरू करें। आज हमारे समाज में इतना बड़ा समाज होते हुए भी डॉक्टरों की कमी है लगा, तो इनके बाद में मैं शुरुआत में वहाँ पर मेरे हादसे में 4 बच्चे 5 बच्चे लेकर गया था वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 साल में वो 4 बच्चे डॉक्टर बन गए, और एक मुझे पता है वो भी कुछ बड़ा करके दिखाएगा, प्रतिभा उसमें भी कम नहीं है, ये पहले साल का मेरा परिणाम रहा था। कई बार कई जगह भेजने पर कहते हैं कि साहब रिजल्ट क्या रहता है, परिणाम क्या आता है, लेकिन परिणाम मैं आपके सामने बोलकर बता रहा हूँ कि परिणाम मेरा 100% रहा है। फिर इसके बाद में मैं मेरे बच्चे से बात करता था और कई बार इनसे पूछता था, जो मेरे घर में 9 बजे सो जाते थे, यहाँ मूल बात मैंने जब देखी थी CLC की रीड कह दूँ या CLC का मूल मुद्दा कह दूँ, जो नंबर इनको दिलाती है, वो आप कहीं कोचिंग में जाओगे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाने के बाद बच्चा जाने और बच्चे का काम जाने, लेकिन ये नहीं रहा साहब। यहाँ देखता था कि मैं बात करता था, बेटे बात क्यों नहीं करते हो, कि बाबा जी जल्दी जल्दी खाना खा के हमें जाना, हमें कैंप में जाना है। पूछा भाई कैंप क्या है? कि कैंप में हॉल में बैठ जाते हैं, हमें रात में 12 बजे 1 बजे तक आपकी इच्छा हो तो 2 बजे तक पढ़ना है। मैंने कहा तू कितने बजे तक पढ़ता है अपने ऑफिस में? फ़ोन तो वैसे अलाउड नहीं था इनके पास में, और ये कई बार रात को 2-2.5 बजे, मैंने कहा जब तू सोने जाए एक बार फ़ोन कर लेना या बता देना मुझे कितने बजे गया। तो इनके पास में मैंने ये भी देखा कि इनके डायरेक्टर तक यहाँ ब्रांच में वहाँ हमेशा सुनता था कि रात को आप
बॉस जो जिनका अपन कहते हैं कोचिंग के मालिकों का मुंह तक नहीं देखते हैं, आप खुद रात को 12 बजे 1 बजे तक वहाँ खड़े रहते हैं और यही कैंप में वो बच्चे अनुशासित रूप से पढ़ते हैं। मैंने सोचा शायद अनुशासन का जिम्मा जो है हम RSS की जो स्कूलें हैं विद्या भारती की स्कूलों विनो में होता है, लेकिन एक वहाँ देखने के बाद में लगा कि ये तो मेरा ही स्वरूप लगा, जैसे वहाँ बच्चे अनुशासित रहते हैं वैसे के वैसे अनुशासन और वैसी की व्यवस्था वहाँ पर लगी। सुई कहीं पड़ी है तो वह वही पड़ी रहेगी, जिसको उठाना वही लेकर जाएगा, ऐसी पूर्ण रूपेण व्यवस्था थी। फिर मन में डर था कि खाने की समस्या बार बार सुनते हैं अपन, लेकिन जब भी मैं गया तो मैंने कहा ठीक है निकल लेता हूँ। बॉस का भी आग्रह रहा, डायरेक्टर सर ने कहा नहीं खाना आपको खाना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं मैं निकलता हूँ सर मेरा लेट हो रहा है, ऐसा है सर एक बार आप देख के जाइएगा। तो फिर वापस वहाँ जाकर पहुँचा तो मैंने खुद वहाँ खाकर और सारी व्यवस्थाएं देखी ठीक लगा। और इनके बाद में एक बात और है कि जब भी ये महीने भर के लिए 20 दिन के लिए घर आते हैं ना तो बच्चे कहते हैं खाना जो होता है ना कि पापा CLC जैसा स्वाद यहाँ नहीं है। ये पूछ बात कई बार कि जो CLC की दाल और CLC की जो रसोई है ना हम जैसा चाहते हैं वैसा बना के दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात लगी अपनी इस कोचिंग में। तब मुझे लगा कि जब भी मैं जो कोई भी काम कहता हूँ, आप कहीं फ़ोन करके देख लीजिएगा डिपार्टमेंट में कहने के लिए सब बातें कर देते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं भी प्रैक्टिकली आप कॉल करके देखो या बात करके देखो वो सारा स्वरूप आपके सामने एक मिनट में हाजिर हो जाता है, जो बात है वो क्लियर रूप से आएगी आपके सामने। मैं अशोक कुमार अपने पास ही लुंडावास गांव का रहने वाला हूँ, सोजो सिटी से 9 किलोमीटर दूरी पे हैं। तो हमें मांगीलाल जी सर से प्रेरणा मिली, उससे हमने CLC ज्वाइन की, उसके बाद में 11-12 फाउंडेशन के साथ, फिर जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया सर वो भी 12 के साथ, राहुल और पुरुषोत्तम कुमार दोनों ने एक साथ सतर्क लगा दिया 12वीं के साथ सर दोनों ने, और वो कामयाबी मिली सर आपका सिर्फ और सिर्फ सर का सपोर्ट। और आपका रात को 11 बजे मैंने कॉल बैक किया, पुरुषोत्तम परेशान हो रहा है सर क्या करूं, तो सर आपने रात को 11 बजे मेरे को विद कॉल करके पुरुषोत्तम को संतुष्ट किया, उससे उसमें इतनी एनर्जी आ गई सर। और रैंक शीट जिस समय आपको शाम को रैंक शीट आप डिक्लेयर कर रहे थे, उस रैंक शीट में नंबर आने पर आपको उसको शब्दों में ऐसे डाटी पिला देते थे बच्चा अगला समझ जाता था कि अगले मेजर में मेरे को क्या करना है और उसका परिणाम मेरे को सर को दिखाना है। इस तरह से करके आपने जो बच्चों का हौसला अफजाई किया सर, जय CLC विजय CLC, मतलब बच्चों के लिए सर जो है ना अपन सोचते हैं सुरक्षा के लिए सर, तो अब जुड़ा हूँ सर तो पूरा मतलब वन वे सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंखें मीच के बच्ची को छोड़ के आ जाओ सर, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है सर, वहां से मतलब मुकाबला ही नहीं है सर कोई भी। कितने गांव पर डॉक्टर है? 18 गांव में पहला डॉक्टर कुमार समाज 18 गांव में 18। अरे क्या यार आपने सपना पूरा कर दिया मेरा। इस तरह से आपका आना अचानक और बन जाना सुहाना एक बानक, लग रहा संकल्प के इस पृष्ठ पर जीऊं फिर रचेगा सार का कोई कथानक, आपका हर बोल जीवन का तराना, ज्यों कहीं वीरान में बंसी बजाना, आपके सामीप्य में लगता हमें जीऊं, संग हो गंगोत्री के हो नहाना। मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं CLC नहीं, ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें कोई स्टूडेंट जाने के बाद में जो डिटरमाइंड हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं रख सकती, और CLC मात्र वो माहौल देती है। CLC उन लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अब आपका घर नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका रिलेशन नहीं है, ये किताबें आपकी सब कुछ है, और इस किताबों से बाहर मैं आपको आने नहीं दूंगा। ये CLC का CLC उन बच्चों को किताबों से बाहर नहीं आने देती, उस माहौल से दूर नहीं जाने देती है, उन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होने देती है, उनको मोटिवेशन देती है, और इसके साथ में इन लोगों को प्रेरणा और मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।